अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। संतों का जो हुंकार है, देवकी नंदन ठाकुर जी इसके साथ साथ देश के सभी साधु संतों के मन में यही भाव है कि जिस प्रकार से निर्विवादित रूप से अयोध्या का भगवान राम जन्मभूमि का मंदिर भव्य दिव्य नव्य बन रहा है, उसी प्रकार काशी कॉरिडोर का निर्माण खूबसूरत तो हुआ, जो मंदिर है मुख्य मंदिर वो भी हमको चाहिए, उस मस्जिद को गिराकर ध्वस्त करके, क्योंकि वहाँ शिवलिंग की प्राप्ति भी हुई है और वो वास्तविक शिवलिंग है। इसके साथ साथ जहाँ पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, वो जन्मभूमि मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, उसकी भी मुक्ति चाहिए, वहाँ पर भी भव्य दिव्य मंदिर चाहिए। यह हुंकार साधु संतों का है, कथा व्यास का है और देश की सनातनियों का है। यह मांग जो देवकी नंदन जी के साथ साथ सभी संतों का है, हम इस विचार के साथ रहें और जनसंख्या नियोजन कानून बने। यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, विश्व को विश्व हिंदू राष्ट्र करना है। इसके साथ साथ आप देखिए पूरे देश में एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी गिरजाघर सरकार के कब्जे में नहीं है। देश का लमसम 5 लाख से ऊपर मंदिर सरकार के कब्जे में है, सरकार उसका पूरा चढ़ावा लेती है, लेकिन उस चढ़ावे से अनर्गल खर्चा किया जाता है, सनातन में कहीं भी एक पैसा नहीं लगाया जाता है। उसकी भी मुक्ति को लेकर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में मुहिम छेड़ेंगे और पूरे देश के हिंदू जनमानस से अपील करेंगे, आप साथ आइए इस मुहिम में, सनातन को जगाइए। जिस प्रकार से बहुत तेजी से सनातन जग रहा है, ये सब आप लोगों की देन है, और सनातन को जगाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, सनातन आगे बढ़ता जाएगा।